सबसे तेज खबर जगदूत। नमस्कार, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में देव जी आपका स्वागत करता हूं। खगड़िया से अनुज कुमार की खास रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के अनलॉक 01 के बाद जिले में बढ़ रहे बेरोजगारी की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसमें बिहार सरकार की पहल तेज हो गई है। बेरोजगारी लोग अपने अपने जिलों में ही रहकर सरकारी व प्राइवेट कार्यों की जानकारी लेकर कार्य करेंगे तथा अपना जीविकोपार्जन चलाएंगे, इसके लिए सरकार पुरजोर पहल कर रही है। उसी कार्य के तहत खगड़िया जिले में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर व जिले के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम के तहत जिला मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड खगड़िया के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिस खगड़िया प्रखंड में खगड़िया प्रखंड के सभी पंचायतों की कर्मी मौजूद रहे। तो क्या कहते हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, थोड़ा सुने। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड खगड़िया मनरेगा, आज की समीक्षा बैठक हम लोग मनरेगा कर्मियों के साथ कर रहे हैं। इसमें जिला के द्वारा 124 यूनिट वृक्षारोपण मनरेगा के अंतर्गत करवाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 41 यूनिट सरकारी का है और रेस्ट निजी लाभुकों के ज़मीन पर किया जाना है। निजी लाभुकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके ही ज़मीन में 200 पौधा दिया जाता है और 200 पौधा के देखभाल के लिए उन्हें प्रति महीना 1400 रुपया दिया जाता है। 200 को जीवित रखने के लिए हमें समय समय पर जो है खाद दिया जाता है, कीटनाशक दिया जाता है, चापा कल भी दिया जाता है उनके खेत में लगवाने के लिए, और लकड़ीदार काष्ठीय पौधे दोनों तरह का वृक्ष दिया जाता है। घंटा को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। अनोखे न्यूज को देखते रहें जगदूत न्यूज।